ज़िला रंगारेड्डी के हलके शादनगर में वाक़ मुक़दस जहांगीर पीर दरगाह में बतारीख 19 जनवरी बरोज़ जुमेरात से 3 रोज़ा उर्स की तकरीबात का आगाज़ अमल में लाया जा चुका है। ये एक ऐसी बारगाह है जहां पर बिना मज़हब व मिल्लत हज़ारों की तादाद में ज़ायरीन उर्स में शिरकत करते हैं। इस उर्स शरीफ के मौके पर मुकामी MLA अंजैया यादव, वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान ने बारगाह पहुंचकर मज़ार शरीफ पर चंदन चढ़ाया और खुसूसी दुआ का भी एहतमाम किया। इस मौके पर MLA ने कहा कि मास्टर प्लान के साथ मुकामी लोगों की बहाली की सरगर्मियां शुरू कर दी गई है। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान ने भी मीडिया कॉन्फ्रेंस से मुखातिब करते हुए कहा कि दरगाह के तरक्याती कामों का जल्द ही आगाज़ अमल में लाया जाएगा। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से अकीदतमंद 3 रोज़ा उर्स मेले में शिरकत करेंगे। इस मौके पर पहले ही दिन हज़ारों की तादाद में ज़ायरीन का हुजूम दरगाह में देखा गया। आइए देखते हैं इस खसूस में वहाँ के चंद मनाजिर। आज अल्हम्दुलिल्लाह उर्स के मौके पे हुकूमत की जानिब से KCR साहब की हिदायत पर अच्छे से अच्छे इंतजाम करने की हिदायत हमारे को वक्फ बोर्ड की जानिब से दिए गए थे, जिसमें हमारे MLA साहब और उनके साथियाँ जितने हैं, यहाँ सरपंच साहब रहने दीजिए, ZPT से रहने दीजिए, MPDC रहने दीजिए और जितने साथियाँ यहाँ मिलकर, गांव के पूरे लोग मिलकर हमेशा से जो मुकम्मल अच्छे से अच्छे इंतजाम करते हैं, इस साल भी अच्छे से अच्छे इंतजाम हुए हैं। और इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों से भी गुजारिश करता हूँ, ख़ासकर पुलिस डिपार्टमेंट से, म्यूनसिपल से, जितने लोग R&B यहाँ जो काम करें हैं उन सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, थैंक यू। देखिए, अब स्ट्रक्चर रिपोर्ट के हिसाब से MLA साहब भी बैठेंगे, AK खान साहब भी रहेंगे, हमारे होम मिनिस्टर साहब रहेंगे, पूरे मिलके फाइनलाइज करके CM साहब के पास ले जाके उसका अप्रूवल लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह जल्द से जल्द हम चीज़ खत्म कर रहे बराबर दे रहे, क्यों नहीं दे रहे, सब दे रहे, साथ दे रहे। देखिए एक बात बोलता हूँ, अगर वक्फ बोर्ड साथ नहीं देती तो हाई से वक्फ बोर्ड चेयरमैन मैं यहाँ नहीं आता हूँ, साहब भी आने नहीं देते थे। इंशाल्लाह वैसा जो जो हुआ हुआ आगे। इंशाल्लाह CM साहब का अप्रूवल लेना है हमारे को, CM साहब का अप्रूवल लेके करेंगे, ठीक है मैम। वो फाइनल फाइनल करके जाना है सब चीज़। आप भी जो आप लोगों की मदद हो रही है 27 एकड़ प्रेजेंट 27 एकर्स है ना, एज पर गजट हम भी देखेंगे। దాని పక్కనో దీన్ని దాని చుట్టుపక్కల 2001 అంట 201 సర్వే నెంబర్ గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ ఇది 200 సొంతం గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ అయితే ఏమైందంటే అప్పుడు ఒక్కోడు దీనికి డబ్బులు కట్టి తీసుకోకపోదామని తీసుకొని డబ్బులు కట్టి కానీ ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసుకోలే గవర్నమెంట్ డబ్బు వాళ్ళు ఒక్కోడలు డబ్బులు ఇచ్చిన ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసుకోలేదు చేసుకోకపోతే ఇక్కడ వ్యాపారస్తులు వాళ్ళు పోయి మళ్ళీ MRO అప్లికేషన్ పెట్టుకుని వాళ్ళు సర్టిఫికేట్ తెచ్చుకున్నారు సర్టిఫికేట్లు తెచ్చుకుని వాళ్ళు ఎక్కువగా జర కబ్జా ఉన్నారు కాబట్టి అవన్నీ ఆలోచన చేస్తున్నమాట ఆ ఇబ్బందులు ఉన్నాయి కొద్దిగా లీగల్ ఇబ్బందులు వస్తాయి అవన్నీ ఆలోచించి అందరి సమ్మతితో మంచి చేయాలి ఎందుకంటే ముఖ్యమంత్రికి చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటాడు ఈ మినిస్టర్ किसानी बच्चा कर हासिल कर लें कोई मुसलिस सा है मस्जिद में वजू खाने के पास वजू करते हुए घड़ी रखकर भूल गए थे। Oh, my God.
मेहनत लगन निफासत का हसीन मरकज जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। मियार और एतमाद की रिवायत जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत ले। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरीद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता जौहरी। दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है जो आपके दिलों को भाए। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। कारीगरी के असली मायने आपको जौहरी पर तशरीफ लाने पर ही पता चलेंगे। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर ओनली 4.9% वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद।